नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूँ रूबी नेगी। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और इस बीच हमारे संवाददाता हर पंचायत में जाकर पंचायत के विकास का जायजा ले रहे हैं। चलिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता अंबुज कुमार के पास और देखते हैं इस पंचायत का हाल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ अंबुज कुमार और अभी हम चौथम प्रखंड के पश्चिमी बोरने पंचायत में और यहाँ के मुखिया जी के बड़े लड़के हमारे साथ है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ के विकास के मुद्दों पर और अन्य मुद्दों पर बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सर, विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है, बारी है आप लोगों की चुनाव की, तो ऐसे में जो फिर आप जनता के बीच जाइएगा वोट मांगने के लिए, तो क्या मुद्दा लेकर के जाइएगा? क्या मेन मुद्दा रहेगा? विकास का, जिस तरह अभी हम लोग इस पंचवर्षीय में 3 करोड़ का वर्क किए, रोड नाला गली नदी को बोलते हैं, 3 करोड़ का किए है, जिसमें कि बहुत सारा मतलब कि रोड बनवाया है, उसके बाद नाला है, सोखता है, इस तरह का हुआ है। अभी नया फंड आया है 15 मिली, जिसमें कि रिपेयरिंग का कार्य हो रहा है पुराना जो बिल्डिंग है। अब विकास किए हैं तो इसके लिए तो मान लीजिए हम अगर किसी में मजदूरी करेंगे तो उसके लिए मजदूरी मांगने के लिए जाएंगे। सर, सर ये जो है नल जल की जो योजना है वो किस तरह से आपकी पंचायत में काम हो रहा है? नल जल का योजना तो जान रहे हैं कि आपकी PhD विभाग से चल रहा है। जी जी, उन्हीं के संचालन के द्वारा मतलब कि ये संचालित। तो मैंने बहुत सारे पंचायत गया हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे मुखिया जी का ये कहना है कि जिस तरह से उसका काम होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही है कि मतलब बहुत सुस्त वर्क हो रहा है, उसके बाद वर्क में क्वालिटी भी नहीं है और चल रहा है वर्क। सर, आपके पंचायत में BPL धारियों के लिए क्या सुविधाएँ दी जा रही है सरकार की द्वारा? देखिए, BPL APL तो अब खत्म हो गई है सर। अब PHH जो कार्ड होता है, जो ना तो कोई BPL है ना APL, ना कोई अंत्योदय, सबको एक समान कर दिया गया कि जो राशन लेने योग्य है सबको PHH वाला जो है कार्ड वो मतलब कि मुहैया कराया गया है। और अभी इस समय तो नया कार्ड बहुत सारा जो हमारे मराठी 2500 कार्ड आया था, उसको हम पूरे पंचायत में वितरण करवाए। शौचालय का काम कहाँ तक हुआ है सर आपके? अरे, शौचालय तो जीविका के अंतर्गत हुआ था, तो उसमें तो मान लिए 90% 100 तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 90% तो मतलब कि वर्क हुआ है और शौचालय बना भी है और सबको राशि भी मिला। सर, आने वाले चुनाव को लेकर क्या अपील रहेगी आपकी जनता से? यही अपील रहे कि जिस तरह हम वर्क किए हैं और आगे इसी तरह वर्क करेंगे, इंदिरा आवास दिलवाए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो दिलवाएंगे, बहुत सारे अभी हमारे अभी भी जनता हैं जो कि नया राशन कार्डधारी हैं, उनका नाम जुड़वा के सेक सूची में फिर से उनको प्रधानमंत्री योजना या फिर इंदिरा आवास योजना उनको मुहैया कराएंगे। जनता से आपकी क्या उम्मीद? उम्मीद बहुत है और जनता तो हमारे साथ है, पश्चिम बोरने के इससे पहले भी हमारे साथ थे और अभी भी हैं, अभी तो और सारे जनता हमारे साथ हैं। जी, तो अभी हम बात थे पश्चिमी बोरने में और यहाँ के मुखिया जी के बड़े लड़के हैं और इनका कहना है कि हम लोग इस क्षेत्र के लिए विकास किए हैं और आगे भी विकास करेंगे और इनका पूर्ण मानना है कि जनता एक बार फिर से इन्हें मौका देगी, चुनाव जिताएगी और लगातार विकास करते रहेंगे। कैमरा पर्सन मयंक कुमार के साथ मैं हूं अंबुज कुमार। तो देखा आपने इस पंचायत का हाल और लगातार बिहार पंचायती चुनाव के हर खबर से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल मोबाइल न्यूज 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल की घंटी को भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।